नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एचसीएन न्यूज में। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी के जाने माने एंकर सारिक खान। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप बिहार कटिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से दिल्ली तक की जर्नी और फिर दिल्ली से एनडीटीवी की जर्नी, सर कैसी रही? बहुत मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि ग्रेजुएशन करके दिल्ली आए, फिर यहाँ भटकते रहे। 94 में आए थे और 96 दिसंबर में एनडीटीवी में नौकरी लग गई। तो कहा जाए कि खुशकिस्मत रहे तो गलत नहीं होगा। और तब से यहाँ अब तक की अगर हम बात करें तो एनडीटीवी एक ऐसा संस्थान है जहाँ आने के बाद कोई छोड़ के जाता नहीं, तो मैं भी नहीं गया, 20 साल से वहीं हूँ। सर, आपके लाइफ में कोई ऐसा चैलेंजिंग कुछ आया उस फील्ड में काम करते वक्त, या फिर कोई ऐसी स्टोरी आपने कवर की हो जो आपके लाइफ की बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो? देखिए, बहुत सारी, हर खबर की अपनी एक अहमियत होती है। अब जैसे बिहार का फ्लड था, उसकी बात करें, या फिर 2001 में गुजरात का अर्थक्वेक की बात करें, या फिर मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें, बरेली दंगे की बात करें, या फिर लव जिहाद की बात करें, तो हर खबर की अपनी इंटेंसिटी होती है। तो ये वो खबरें थी जिनको करते हुए थोड़ा मुश्किल था इमोशनली और बाकी सब तरह से। आप एंकरिंग फील्ड में डायरेक्ट आए थे कि उससे पहले रिपोर्टिंग की आपने, कि डेस्क फील्ड में काम किया होगा? नहीं, मैंने रिपोर्टिंग काफ़ी की है, एंकरिंग तो मैं पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ। और मैंने 2 बार अपनी रिपोर्टिंग के लिए हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड भी जीता है, जो किसी भी जर्नलिस्ट के लिए सपने जैसा है। जर्नलिस्ट के लिए या पत्रकारों के लिए उसे ऑस्कर कहा जाता है हिंदुस्तान का, तो वो मैंने 2 साल लगातार जीता है, तो वो बड़ा अचीवमेंट था। तो मुझे लगता है कि एंकरिंग के साथ न्याय आप तभी कर सकते हैं जब आपने रिपोर्टिंग की, नहीं तो फिर आप सवाल यही पूछते हैं कि किसी के मरने पे कि आपको कैसा लग रहा है। जब आपने वो अवार्ड जीता तो वो मूवमेंट कैसा था आपके लिए सर? देखिए, वो इमोशनल था पहली बार में, क्योंकि मैंने अपनी खबरों की एंट्री कभी किसी दूसरे अवार्ड के लिए नहीं भेजी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बाकी अवार्ड्स दुकान हैं जिनको जीतने का कोई मतलब है नहीं। तो जब पहली बार वो कॉल आया तो मैं घर में ही बैठा था, माता जी पिताजी सब लोग बैठे थे, तो मैं चिल्ला पड़ा, क्योंकि वो सपना था जो पूरा होता हुआ नज़र आया। लेकिन दूसरे बार फिर लगा के अच्छा ठीक है, एक और मिल गया, लेकिन पहले वाले का रिएक्शन अलग था। सर, सबका एक अपना यूनिक स्टाइल होता है, सब कुछ ना कुछ अलग करते हैं, तो स्टूडियो जाने से पहले आप कैसे प्रिपेयर होकर जाते हैं, क्योंकि सर कुछ टिप्स हो जाएगी हमारे ऑडियंस के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि आप जब निकलें घर से तो तैयार होते वक्त अपना टीवी चला के रखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या हुआ है। जगने के बाद जो एनडीटीवी का ग्रुप है उसमें सारे व्हाट्सएप्स देखते हैं उठते के साथ कि क्या क्या खबरें हैं, और 1 से 1.5 घंटे पहले ऑफिस पहुंचें और देखें क्या क्या खबरें हैं, किसमें आप क्या जोड़ सकते हैं, किसमें से क्या घटा सकते हैं। तो वो तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मेकअप करके टाई लगा के बैठ जाने से ही नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा कम से कम तो अपने आप को दें और देखें कि क्या क्या रनडाउन में खबरें हैं, उस हिसाब से की तैयारी करके जाएं। सर, जब देश पे कोई इमरजेंसी आती है, जैसे 9/11 का हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट में जो धमाका हुआ था, तो उस टाइम एंकरिंग करते वक्त क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती आपको? देखिए, उस वक्त तो मैं एंकर नहीं था, तो उस वक्त का तो नहीं बता सकता, लेकिन जब भी कुछ ऐसा हादसा होता है तो फिर आपको स्पॉन्टेनियस बोलते रहना होता है। तो वो आप तब बोल पाते हैं जब आपको सारे खबरों की या फिर सारे टॉपिक्स की जानकारी आपके पास होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तान में बच्चों के, आर्मी के बच्चों के स्कूल पे अटैक पेशावर में हो गया था, बहुत सारे बच्चे मर गए थे, उस दिन मैं एंकरिंग कर रहा था। तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन कम आ रही होती हैं, फिर आपको लगातार उस खबर पर बने रहना होता है, तो वो फाइट होता है। और दूसरा फाइट ये होता है कि जब आप सवाल बाहर के लोगों से पूछते हैं, अपने रिपोर्टर से पूछते हैं, तो आप रिलेवेंट पूछें और संवेदनशीलता के साथ पूछें, यह भी बहुत ज़रूरी है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सर, कोई टिप वगैरह जैसे एंकरिंग में जो हम लोग को हेल्प कर सके, जो हमारी ऑडियंस को हेल्प कर सके, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बनने में, जो आगे बनना चाहते हैं, एंकरिंग करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, इस फील्ड से रिलेटेड कोई टिप्स? देखिए, उसमें सबसे पहली बात है कि आपको संवेदनशील होना ज़रूरी है। अगर आप किसी के मरने में गए हैं तो वो फील कीजिए कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि कोई आपका अपना चला जाता है तो सबको बुरा लगता है, तो वो दर्द आपको महसूस होना चाहिए। या फिर किसी कॉलोनी में आप गए हैं जहाँ किसी की भुखमरी से मौत हो गई है, या फ्लड में कोई फंसा हुआ है, तो उसका क्या दर्द होता है, तो उसको महसूस कीजिए।
जब आप उसको महसूस करेंगे, भले ही आप उससे गुजरे ना हो, लेकिन उसको महसूस कीजिए और उसी संवेदनशीलता के साथ सामने वाले को बिना हर्ट किए ही खबर कीजिए। जैसे आप किसी के मौत पे गए हैं तो उसके मुंह में माइक मत घुसा दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि उसका रोना और उसके चेहरे पे जो आंसू टपक रहे होते हैं आंखों से, वही काफ़ी होता है। उसके बाद आपको बाइट की ज़रूरत पड़ती नहीं, कोई वो क्या बोल लेगी, किसी का बच्चा मर गया तो वो क्या बोल लेगी या क्या बोल लेगी। तो उस संवेदनशीलता पर नज़र रखें। और दूसरा कि जब आप न्यूज़ पढ़ें तो चिल्लाएं ना। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि ये ख़बरें जितने इत्मीनान से अच्छे से सॉफ्टली बताई जाए, समझाने के अंदाज में बताई जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये एक फिल्म में था शायद कि इतनी आदत हो गई है कि जब बीवी भी पूछती है कि खाना कैसा बना तो मुँह से सनसनी खेज ही निकलता है। और दूसरा, ज़माना बदल गया है, पत्रकारिता के पैरामीटर्स गिर रहे हैं, तो अब जो है कुछ चैनल्स को छोड़ के, या फिर कहें NDTV और एकाक चैनल को छोड़ के, समाचार की जगह प्रचार आ रहा होता है। बिल्कुल सर। पत्रकार का काम सरकार क्या अच्छा कर रही है वो बताने का नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको चुना ही गया। बिल्कुल। पत्रकार का काम उन क्षेत्रों को, उन टॉपिक्स को उजागर करना है जो सरकार ने को करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। तो वो जरूरी है कि आप वॉच डॉग बने, डॉग ना बन जाए। तो हुआ क्या है कि थोड़ा हार्श हो जाएगा, हम चाटुकारिता पे ज्यादा उतर आए हैं और संस्थान और सत्ता और उनसे किसी फायदे के लालच में वो सवाल नहीं पूछ पाते जो हमें पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि आपने किसानों की आत्महत्या पे कहा था कि एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होगी, अब हो रही है, क्यों हो रही है? तो उन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। सर, कहते हैं मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन एक बात होती है सर, कहते हैं कि कुत्ता इंसान को काटे ये न्यूज़ नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे ये न्यूज़ है। सर, पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में क्या अंतर है? आजकल देखिए तो लोग मिर्च मसाला आजकल बोलते हैं, डालते हैं लगा के किसी भी खबर में। सर, उस बात आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब मजबूरी ये है कि जब सब कुछ TRP पे डिपेंडेंट होगा और प्रचार का मिलना भी TRP पे डिपेंडेंट होगा, और TRP की जो रेटिंग आती है वो अगर फॉल्टी होगी तो लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी इसमें सोशल वर्क के लिए नहीं, पत्रकारिता भी एक धंधा है मालिकों के लिए जो पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर ये दिखाने से आएगा तो हनीप्रीत और बाबा का देख लीजिए, उस सॉफ्ट पॉर्न है, आप अपने घर वालों के साथ बैठ के उसको देख नहीं सकते। भाई, बाबा को अपने किए की 20 साल की सजा हो गई, कहानी खत्म हो गई, अभी भी कहानी को दोहराया जा रहा है बार बार। और आप ये कह रहे हैं कि हनीप्रीत का ये आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए, आप या हम या कोई भी मीडिया संस्थान हनीप्रीत और बाबा के बेडरूम में तो गया नहीं। आप सिर्फ एक सेकंड के लिए ये सोच लीजिए कि उन दोनों का रिश्ता बाप बेटी का ही है जैसा वो दोनों दावा करते हैं। आप उस दर्द को महसूस कीजिए कि जब वो TV पे अपने बारे में कथित रूप से वर्बल बलात्कार होता है, एक तो बलात्कार, एक जो बातों से वर्बल बलात्कार उसका हो रहा है, तो उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन है क्या कि हर दौर में ये सवाल पूछा जाता रहे कि भाई पहले की फिल्में ऐसी थी और अब की फिल्में ऐसी हैं, ऐसा नहीं है। हर दौर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, इस दौर की भी अपनी अच्छी चीज़ें हैं, अपनी बुरी चीज़ें हैं। तो फोर्थ पिलर है, मजबूत हुआ कि कमज़ोर हुआ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आपकी नज़र में मजबूत हुआ होगा, मैं कहूँगा कि कमज़ोर हुआ। सर, आपने इस फील्ड में बहुत टाइम दिया है, तो कोई ऐसा यादगार पल होगा जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, जिससे कुछ हम कहते हैं ना, कोई हमसे याद रहता है, वो याद करके हमें खुशी मिलती है या एक सीख भी मिलती है। जब मुझे लगता है कि हाँ, एक स्टोरी थी जिसको आज भी सोच के अच्छा लगता है। लाजपत कालका जी में 3 बहनें रहती थी जो अपने घर में ही बंद होके थी, उनमें से एक की मौत हो गई और उन दोनों बहनों की साइकी थी, तो उन दोनों बहनों उनकी लाश के साथ ही रह रही थी, घर का बुरा हाल था। हमने जाके उस पर खबर की थी, तो उस खबर का असर ये हुआ था कि उन दोनों बहनों की ज़िंदगी बदल गई थी। उनका घर पेंट हो गया था, सारे फर्नीचर आ गए थे, किचन का सब कुछ आ गया था, TV फ्रिज कूलर सब उनके घर में आ गया था, और यहाँ तक कि वहाँ कालका जी के गुरुद्वारे ने उनके लिए मंथली भी बांध दिया था कि अब इतने पैसे देंगे तुम्हारा घर खर्च चलाने के। तो उन बहनों की जो दो, एक तो चली गई, दो जो बची थी
और यहाँ तक कि उस अस्पताल ने भी उनका 40,000 रुपये का बिल माफ़ कर दिया था हमारी खबर को देख के। तो अच्छा लगा था कि चलो हम किसी के काम आए। अटला सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आजकल एक ट्रेंड चलता है यंग जनरेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो आपके टाइम में आपने क्या लव मैरिज प्रिफेयर की थी कि आपका अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ नहीं, मैंने शादी बहुत लेट की है। लेट की सर, इसका कारण क्या था? कारण पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, वो कोई मिली ही नहीं जिसको मैं पसंद आता। मैंने 2015 में शादी की है, 7 फरवरी को, 3 साल होने वाले हैं। तो मैंने लव मैरिज की थी, तो मुझे लगता है लव मैरिज ज़्यादा अच्छा है। फिर पता होता है कि कुएं में कूदने वाले हो कितना गहरा है। मतलब कुएं में कूदना ही है तो अपनी पसंद के कुएं में क्यों ना कूदे। ओके सर, लास्ट में एचसीएन न्यूज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मुझे लगता है कि पत्रकार बनने के लिए ये नहीं है कि आप सुबह जागे, रात को सोएं और सपना देखें और सुबह उठ के चले आए कि हमें पत्रकार बनना है। मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम न्यूज़ देखिए, पेपर पढ़िए, कुछ किताबें पढ़िए और मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अपने शब्दों को यही विराम देते हुए मैं आशीष झा, एशियन न्यूज़।